नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और शुरुआत बिहार से, जहां सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक अहम बैठक हुई। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत बिहार कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीटों की संख्या को लेकर सहमति बनी है, जिसके मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वामपंथी दलों को 5 सीटें मिलेंगी। इन 5 सीटों में 3 सीटों पर CPI-ML लड़ेगी। मंगलवार की बैठक से निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ पुराना है और इस बार भी दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बिहार में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की एक और बैठक बुधवार को दिल्ली में ही होगी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। फाइनल ऐलान से पहले इस बैठक के बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान होगा। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में हैं, होली मना रहे हैं, लेकिन बिहार में महागठबंधन के बीच मामला बदरंग होता दिख रहा है। सीट के बंटवारे पर आखिरी बात नहीं हो पा रही है और अब आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटना शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी कह रही है कांग्रेस के साथ मिल बैठकर सारा मामला सुलझा लिया जाएगा। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है, है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और सीटों की जहाँ तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल कर। कांग्रेस के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर है कि जहां कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, वहां भी आरजेडी अपना उम्मीदवार देने पर अड़ी है। कांग्रेस कटिहार से तारिक अनवर, पूर्णिया से पप्पू यादव, जहानाबाद से निखिल कुमार और बेगूसराय से कन्हैया कुमार को उतारना चाहती है, पर ना तो आरजेडी और ना ही लेफ्ट ये सीटें छोड़ने को तैयार है। हम लोगों को विश्वास है कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि चुनाव कौन जीत सकता है, किसका संगठन ज़्यादा मजबूत है किस क्षेत्र में, उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा होना चाहिए, उसी हिसाब से फैसला होना चाहिए। बातचीत हम लोगों की चल रही है, हम लोगों की कोशिश है कि पूर्णिया को भी हम लोगों को मिल जाए, लेकिन ठीक है क्योंकि इसमें तो जब गठबंधन की राजनीति में सबकी सहमति ज़रूरी होती है। हम सबका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य हमने जब बताया कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। मामला यहाँ ही नहीं अटका हुआ है। राजद कांग्रेस को 5 से 6 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस 9 से 10 सीटें मांग रही है। आरजेडी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा ही विधानसभा चुनाव में किया था, जिसका खामियाजा यह रहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। बिहार में लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की पेच सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। जल्द ये मामला नहीं सुलझा तो उसकी कीमत दोनों दलों को चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर पंजाब से, जहां लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत बिट्टू की गिनती पंजाब से आने वाले प्रमुख कांग्रेस नेताओं में होती रही है। अधीर रंजन चौधरी जब बंगाल विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे तो कुछ दिन तक रवनीत बिट्टू ने लोकसभा में नेता कांग्रेस की जिम्मेदारी भी निभाई थी। वही चुनाव तारीख की घोषणा हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों में सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पाया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही गठबंधनों में 3-3 सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई को लेकर महाविकास आघाड़ी में, तो अमरावती, नासिक और सातारा को लेकर महायुति में पेंच फंसा हुआ है। क्या है ये पेंच और क्यों नहीं सुलझ पा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विदर्भ की 5 सीटों के लिए नामांकन भरने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा है।
चंद्रपुर से बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार, गढ़चिरौली से अशोक नेते और नागपुर से कांग्रेस के विकास ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल तो कर दिया, लेकिन महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधनों में अभी तक सभी 48 सीटों पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं की बैठकों का दौर पर दौर जारी है, लेकिन तीन तीन सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियों में एका नहीं हो पा रहा है। महाविकास आघाड़ी में वैसे तो शिवसेना को 22, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरदचंद पवार को 10 सीटों का फॉर्मूला तय है, लेकिन तीन सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीट सांगली है। सांगली लोकसभा सीट पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा भी कर दी है। चंद्रहार डबल केसरी विजेता कुश्ती पहलवान है। वहीं कांग्रेस यहां से विशाल पाटिल को लड़ाना चाहती है। विशाल पाटिल पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते हैं। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद संजय काका पाटिल को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। संजय काका पाटिल 2 बार से सांसद हैं। दूसरी सीट है भिवंडी, जहां से कांग्रेस दयानंद चोरगे को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जबकि एनसीपी शरदचंद पवार गुट सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा को टिकट देना चाहती है। यहां के सांसद बीजेपी के कपिल पाटिल हैं। बीजेपी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट दक्षिण मध्य मुंबई है। यहां से उद्धव ठाकरे अनिल देसाई को लड़ाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए मांग रही है। वैसे मुंबई में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई हैं, एक उत्तर मध्य मुंबई और दूसरा उत्तर पूर्व मुंबई, लेकिन कांग्रेस उत्तर पूर्व की बजाय दक्षिण मध्य मुंबई पर जोर लगा रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के राहुल सेवाले यहां के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी पार्टी उन्हें टिकट देगी ये तय है। तीन सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए सोमवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, तो मंगलवार को शरद पवार और कांग्रेस के बाला साहेब थोरात की सिल्वर ओक पर लंबी बैठक हुई, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। कल सीट शेयरिंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा पहले ही खत्म हो गई। कांग्रेस के लीडर्स नाराज हैं। क्यों? हमें तो कोई इसने बताना ही, आपको बताया तो मुझे बताइए किसने फोन करके बताया। मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब को लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। इलेक्शन का एक जो कालखंड है टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। एमवीए में इन तीनों सीटों के अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी का मामला भी उलझा हुआ है। एमवीए ने वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, मगर प्रकाश आम्बेडकर ने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं है। एमवीए की तरह महायुति में भी 3 सीटों पर बात अटकी होने की खबर है। पहली सीट है नासिक। नासिक में फिलहाल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हेमंत गोट से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार ने भी इस पर अपना दावा ठोक रखा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सोमवार को मुंबई आकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उनके पास हमने हमारी मांग रखी, हमारी जो लोक प्रतिनिधि नासिक में है, नासिक लोकसभा क्षेत्र में है, जो हमारा संगठन है उसके बारे में उनको सब डिटेल्स बताया कि हमारा संगठन या लोक प्रतिनिधि नासिक लोकसभा क्षेत्र में कितने तालाब जो है वो हिसाब से हमको वो ये नासिक लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। हर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारा ये कार्यकर्ता है, नेता है, वो लड़ने लायक है और जीतने लायक है तो मांग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झगड़ा है। इस बीच एनडीए में शामिल होने के लिए आतुर एमएनएस भी नासिक पर अपनी दावेदारी कर रही है। दूसरी सीट अमरावती है। अमरावती में कांग्रेस ने तो बलवंत वानखेड़े को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन महायुति में पेंच फंसा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को एनडीए का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन एक तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, दूसरी तरफ महायुति में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कड़ू ने नवनीत राणा का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा अगर उसके साथ खड़ी होती है तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। हमारा निर्दय, हमारा प्रहार का उम्मीदवार हम अभी 3 तारीख को हम उसका अर्जा भरने, नामांकन भरने जा रहे हैं, और अच्छी ताकत के साथ 1.5 लाख वोटों के साथ लेकर हम वो चुनाव जीतेंगे। तीसरी सीट है सतारा। सतारा लोकसभा सीट अभी किसके हिस्से में जाएगी तय नहीं है। अभी यहां से एनसीपी शरद पवार गुट के श्रीनिवास पाटिल सांसद हैं, इस लिहाज से ये सीट एनसीपी अजीत पवार गुट के हिस्से में जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सदस्य उदयन राजे भोसले यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं ने माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों में इस कदर तोड़फोड़ और अदला बदली हुई है कि एक तरफ लोकसभा सीटों का समीकरण गड़बड़ा गया है, दूसरी तरफ मराठा और ओबीसी आरक्षण आंदोलन के चलते मतदाता भी बटे हुए हैं।
ऐसे में राजनीतिक दलों को एक एक सीट पर सिर्फ पार्टी और प्रत्याशी ही नहीं कौन सा चुनाव चिन्ह होना चाहिए इसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के। और उत्तर प्रदेश में सोमवार को होली के दिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार के 7 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि डबल इंजन सरकार सबके लिए काम कर रही है। 7वां साल और होली का रंग, योगी आदित्यनाथ के लिए ये बेहद खास दिन रहा। आखिर उनके सूबे में ही पड़ती है प्रधानमंत्री की सीट। बनारस के लोग खुश हैं कि उन्हें कारोबार में सुरक्षा और समृद्धि दोनों हासिल हो रही है। पूरे सुरक्षित होकर बिना भयमुक्त एकदम अपना कारोबार कर पा रहे हैं और कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जैसे बुनकर हमारे यहाँ, चूँकि बुनकर का हद खुद से अपना बुनकराई का काम है तो उनको तमाम तरीके की प्रधानमंत्री से भी प्राप्त सुविधाएँ हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उनको सुविधाएं प्राप्त हैं जिससे कि उनको भी सुरक्षित आवास सुरक्षित माहौल मिल रहा है और हम लोग को भी काम करने में आसानी हो रही है। लोग मानते हैं कि इन 7 सालों में यूपी और बनारस बदल गए हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, मेडिकल और तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं। हाल के इन्वेस्टर समिट में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। 36 बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहर में गंदगी निस्तारण पर लगातार काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में इस देश में ग्रोथ का इंजन बन रहा। जिस उत्तर प्रदेश को अपराध और माफिया राज के लिए जाना जाता था, अब वह उत्तर प्रदेश एक उद्योग के लिए 35 लाख करोड़ रुपये की शुरुआत हुई थी। आज 40 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया। विश्व की सबसे पुरानी सीवर प्रणाली अगर कहीं लागू है, ब्रिटेन के बाद काशी में हुआ था। उस समय जो सीवर लाइन बना था उसमें बनारस की आबादी 40,000 थी और इसको 4 लाख के आबादी को लेकर इसको डेवलप किया गया था। आज बनारस की आबादी करीब करीब 30 लाख है, फिर भी नए सिरे से हम लोग कर रहे हैं। हर जगह एसटीपी लग रहा, पहले गंगा जी में डायरेक्ट पानी जाता था, अब कोई ऐसा जगह नहीं है, घाट नहीं है जहां पानी निकासी गंगा जी में कहीं भी गंदगी नहीं जा रही है, हर जगह एसटीपी बन रहा। बनारस में सड़कें सुधरी हैं और बिजली पर काफी काम हो रहा है। लोगों के मुताबिक गुंडा राज खत्म हुआ है। एक योजना एकदम सबसे चर्चित है और सबके लिए भी है ये, और सब लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ये है सोलर एनर्जी, सोलर रूफटॉप, घरों पे सोलर लगाइए, फैक्ट्री में जहाँ भी है लगाने के लिए। इसमें सरकार भरपूर सब्सिडी दे रही है और ये प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की निर्भरता कम हो जाएगी। जी, मेरा कॉलेज मेरे घर से 45 किलोमीटर दूर है, पर पहले जब मैं शहर से होके जाता था तो मुझे 2 घंटे लगते थे, पर जब से हाईवे बना है मैं अपने कॉलेज 40 मिनट में ही पहुंच जाता हूं और मेरे दिन के 2 से 3 घंटे बचते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के पैमाने पर अग्रणी प्रदेश हुआ है और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो कानून व्यवस्था ने बहुत कुछ सुधारा है। कानून व्यवस्था से ही विकास, नहीं तो यहाँ गुंडा टैक्स लगता था। जब एजेंसियाँ आती थी तो वह गुंडा टैक्स यहाँ के बड़े बड़े माफिया एजेंसियों को काम नहीं करने देते, निर्माण कार्य प्रभावित होते थे, क्वालिटी खराब होती थी, समय से पूरे नहीं होते थे। लेकिन पूज्य योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाया कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की नई तस्वीर उभरी है। चारों ओर विकास दिख रहा है, सड़क हो, बिजली हो, जहाँ 24 घंटे आज काशी में बिजली मिल रही है। 25 मार्च को योगी सरकार ने अपनी एक और वर्षगांठ सफलतापूर्वक मनाई है और अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में भी इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि अब उन्हें गुंडाराज से मुक्ति मिल गई है। तो वहीं अगर स्टूडेंट की बात करें तो उनका कहना है कि जो रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे उनको खासा फ़ायदा मिला है। वहीं अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि बनारस में अब कॉरपोरेट कंपनियाँ आ गई हैं तो उनको बाहर और दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनारस से एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरव द्विवेदी। अडानी समूह ने ऊर्जा क्षेत्र में एक छलांग और लगाई है। लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी शुरू हुई है। दुनिया में ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और इस्तेमाल पर केंद्रित ये गैलरी भविष्य का रास्ता दिखाती है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे ऑन दिस मोमेंटस डे।
for the inaugurations of the Energy Revolution Gallery at the Science Museum. We at Adani Green Energy are proud to be the title sponsor of this stunning new gallery. लंदन के साइंस म्यूजियम में अदानी ग्रीन एनर्जी गैलरी, ये एक नई और बड़ी शुरुआत है। मंगलवार को इस गैलरी का उद्घाटन हुआ। गैलरी में ऊर्जा का इतिहास है। इस मौके पर अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने ऊर्जा क्रांति की जरूरत पर बात की। Is about more than just a clean air or about moving away from oil and gas. It is about the energy transitions we need, this world needs, and it is about the revolutions that is taking place in the world of energy. लंदन के साइंस म्यूजियम में एक घूमता हुआ मूर्ति शिल्प, जिससे प्रकृति की शक्ति का एहसास होता है, तकनीकी बदलाव की जरूरत का भी। ये गैलरी इंसानी सभ्यता के विकास की कहानी है, बताती हुई कि भूत, वर्तमान और भविष्य को गढ़ने में इंसानी कल्पना और प्रयोग का कितना अहम हाथ रहा है। इस पूरे दौर में ऊर्जा के रूप बदले हैं और भविष्य में और बदलेंगे। फ्यूचर प्लैनेट में दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह वैज्ञानिकों ने इस धरती को समझने के लिए कंप्यूटर आधारित जटिल मॉडलों का इस्तेमाल किया, और ये मॉडल भविष्य के जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या कहते हैं। यू आर द ब्रिज कनेक्टिंग द पास्ट विद द फ्यूचर। वी आर द ब्रिज बिटवीन जनरेशंस। इट इज अवर ड्यूटी to take care of our planet, not only for this generations and the next, but also for the generations to come. And I am proud that Adani Green Energy is leading an energy transitions that honors that commitment. जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से गुजर रही है, जब टिकाऊ विकास के विकल्पों पर बात हो रही है, जब कार्बन फुटप्रिंट घटाने की लड़ाई जारी है, तब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अदानी समूह की पहल एक बड़ा काम कर रही है, और ये गैलरी इसका ही प्रमाण है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का शहर बाल्टीमोर सुर्खियों में है, क्योंकि एक जहाज के पुल से टकराने के बाद पुल टूट गया। वैसे बाल्टीमोर में अगर कोई मकान लेना चाहे तो बड़ी आसानी से ले सकता है, क्योंकि वहां ऐसे करीब 1300 मकान हैं जो खाली पड़े हैं। इनमें से 900 मकान सरकारी हैं, इसलिए आवास विभाग ने तय किया है कि जिसे ये मकान खरीदना है वो महज $1 दे और मकान मालिक बन जाए। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। आपको बता दें, मकान खरीदने वालों को $90,000 में मकानों की मरम्मत भी करने का वादा करना होगा। एक साल के अंदर मकान में रहना शुरू कर देना होगा और 5 साल तक मकान में रहना होगा। यानी सिर्फ कहने के लिए $1 में मकान बिक रहे हैं। पैसे की कमी से जूझ रहा प्रशासन पैसा उगाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका हो या अन्य विकसित देश, वहां के हालात जैसे दिखते हैं वैसे शायद नहीं है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।